में तीन तीन कैमरा दोनों जगह लगेंगे, एक तो पोंटा बैरियर पे और दूसरा कालान बैरियर पे, जो सेंटर में लगेंगे पाइप के सारे, उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि जो क्योंकि वो APNR कैमराज हैं, तो वो हर एक गाड़ी की नंबर प्लेट खुद से रिकग्नाइज कर लेगा जब भी वो गाड़ी एंटर करेगी। अगर वो चालान नहीं रुकता होगा तब भी वो नोटिफाई करेगा कि इस गाड़ी का चालान पेंडिंग है, तो हमारे वहाँ ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, तो हम उस गाड़ी को दोबारा चेक कर सकते हैं उस बारे में। तो और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि जनरल लोग हेलमेट नहीं पहनते, सेफ्टी बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग करते हैं, तो उनके ऊपर अंकुश लगाने में काफी फायदा मिलेगा इस, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि बंदे ने रोड सेफ्टी बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है, बंदे ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, जो पिलिन राइडर है उसने भी हेलमेट पहना कि नहीं पहना, हर चीज को वो खुद रिकॉग्नाइज करेगा और उसी बेस पे वो ऑटोमेटिकली चलान वो उसका जनरेट कर देगा। कई लोग भाग जाते हैं, मैंने वैसे भी देखा, जैसे हम भी चलते चलते किसी को गाड़ी को रोकते हैं, अगर कोई मोटरसाइकिल पे चला हुआ, अभी परसों की बात है, हम पोंटा वाली साइड में गए हुए थे, तो माजरा से पीछे तीन लड़के हमारे से आगे आगे चले हुए थे, हमने उनको ओवरटेक किया, उनको रोका, तो वो उल्टा घुमा के गाड़ी और भाग गए। अगर हम APNR कैमरास लगे होंगे तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कैमरा और इमीडिएटली उसका चालान वहीं पे जनरेट हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।